मामला गांव यूसुफपुर थाना भोपा विकास खंड मोरना जिला मुजफ्फरनगर का है। यूसुफपुर गांव के सैकड़ों लोग ट्रैक्टर ट्राली में भरकर आज जिलाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरनगर पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव प्रधान की मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि गांव में सेग्रीगेशन सेंटर कूड़ा पृथककरण केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है। पिछले कुछ सालों से गांव के बाहर पंचायती जमीन हडवाड़ों की जमीन जहां पर गांव का कूड़ा डाला जाता है, गांव वालों सेग्रीगेशन सेंटर को वहीं पर बनवाना चाहते हैं, जबकि ग्राम प्रधानपति दुवेश भावना से आबादी के पास इन सेग्रीगेशन सेंटर को बनाना चाहता है। यह सेंटर आबादी के पास होने से गांव वालों को अत्यधिक परेशानी व नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आबादी में हवा में प्रदूषण होकर काफी गंदगी हो जाएगी और गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहेगा। और ग्राम प्रधानपति को इस सेंटर को गांव के बाहर बनाने के लिए कहा गया तो ग्राम प्रधानपति की हठधर्मिता के कारण लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कभी भी झगड़ा होने की संभावना है, इसलिए गांव वालों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए इस सेग्रीगेशन सेंटर को गांव के बाहर बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अगर सेंटर बाहर नहीं बनाया जाता तो ग्रामवासी प्रदर्शन के मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान यूसुफपुर की होगी। गाँव में प्रधानपति जबरदस्ती खत्ते के जो हमने अपने खत्ते थे हमारे, वह हमने एक धर्मशाला के रूप में वहाँ भरा भी होकर आया और वे ऐसे दिए थे जिससे वहाँ गंदगी चली जाए, दूसरे स्थान पर कूड़ा डल जाए और उसमें एक भवन भी निर्माण होया हुआ है और शौचालय भी बने हुए हैं। उसमें अब कूड़ा पृथक केंद्र बनाया जा रहा है, वो ना बनाया जाए, वो किसी और बस्ती से दूर बनाया जाए, उसमें बस्ती नजदीक है। प्रधान सरकार ये कह रहे हैं कि अब तो मैं जीत पाएगा, अब इसमें बना के दिखाऊंगा, ये कह रहे बस्ती से मिला हुआ है, जबकि बस्ती से मिला हुआ बस जिससे गंदगी ना हो, वहाँ गंदगी दूर पहुंचाई थी, उसकी बाउंड्री भी हो रही है, प्रदूषण दूर करा था, प्रदूषण ना हो गाँव की बस्ती की, दूर बना ले और उसके पास भी जमीन है एक पीछे, उससे पूछा उस जमीन में बना ले, कहने लगा वो तो हमारा मोहल्ला, वहाँ तो कुछ और बना लेंगे, वहाँ हमारा मोहल्ला बताया उसने और मगर तो ये हमारा मोहल्ला नहीं है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उस जमीन में बन जाए, उसमें खेल का मैदान बता रहा, वो खेल का मैदान बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेहमान आएंगे, शौचालय बना हुआ तो कूड़ा अच्छा नहीं लगना का बाउंड्री हुई हुई है, किसी और स्थान पर बना ले, ये हमारी डीएम साहब है और उसमें हमने अपने खत्ते भी दिए थे, इसी पर्पज से दिए थे कि वहाँ सफाई हो जाए, सफाई और बताते टंकी, एक टंकी का मामला था, गाँव में डीएम साहब गए थे और कैंप लगा था, उसमें समस्या रखी थी पिछले साल सितम्बर, मैं टंकी चल टंकी का कार्य चालू होगा था, रास्ते फूट गए, डीएम साहब ने कहा था कि 21 दिन बाद ठेकेदार ने काम ना करा था, मैं थाने में बैठवा दूंगा, 21 दिन बाद आ जाइए, आज महीना हो गया, अब डीएम साहब को कहना है कि उस पर क्या बात हुई, डीएम साहब ने कहा दिखवाते हैं अभी नहीं, सबसे पहला मुद्दा तुम्हारा वही है आज गंदगी का, पूर्व प्रधान की योजना से कूड़ा करकट मरगट की जमीन है वहाँ पे डलता आ रहा, हम ये सोच रहे जो ये कूड़ा पृथक केंद्र बनना वो वहीं बन जाए, गांव की बस्ती के नजदीक ना बना, मिले हुए घर क्योंकि प्रधान जीत पड़ा हुआ कि अब तो बनवा के मन में मेरे घेर में आ जाते तो मैं सोच भी लेता, तो हम घेर में जाने को भी तैयार हो गए, क्या हो गया इसमें, हम तो कोई अपनी मुच्छे बड़ी नहीं करनी, कहना अब बना के इसमें दिखाऊंगा, अब डीएम साहब से हम यही गुजारिश करना है कि इसे बस्ती से दूर वहीं बना दो या कोई अन्य भूमि हो उस पर बना दो, बस्ती से मिला हुआ ग्राम समाज नाराज होगा बिल्कुल, हाँ जी, और मुख्यमंत्री के जाएंगे, प्रधानमंत्री के जाएंगे, प्रदर्शन होगा, हाँ प्रधानमंत्री के जाएंगे, शिकायत करेंगे जहाँ तक भी होगी।